हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। माता रानी का हमेशा सब पे आशीर्वाद बना रहे, ऐसे ही मनोकामना है मेरी। तो मैं बच्चों को छोड़ के स्कूल से फ्री हुई हूँ और आकर मैं रेडी हो गई। तो अभी मैं पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि आज मैंने व्रत रखा है। मैंने एक स्टार्टिंग वाला व्रत रखा था और एक मैं अभी लास्ट वाला रख रही हूँ, क्योंकि मेरा मन तो बहुत था कि मैं सारे व्रत रखूँ, पर हेल्थ ठीक नहीं थी तो इसलिए मैंने सारे व्रत नहीं रखे। तो अभी मैं फटाफट पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं कार्तिक को लेने जाऊँगी स्कूल, क्योंकि उसका भी टाइम हो चुका है। अभी मैंने घर का सारा काम निबेड़ लिया है, बल्कि पूजा मेरी थोड़ी लेट हो रही है। पहले मुझे पूजा करनी चाहिए थी, फिर घर के काम करने चाहिए थे, पर मैं फटाफट ऐसे, मुझे यह होता है कि जल्दी से खलेरा उठा दूँ, घर का साफ़ सुथरा लगे घर, उसके बाद ही मैं पूजा करूँगी। यहाँ मैं काना को रेडी कर रही हूँ और इसको कपड़े पहनाकर, ज्वेलरी पहनाकर इसको बिल्कुल प्रॉपर रेडी कर रही हूँ। मैंने इसको नहला दिया है अभी। तो वैसे तो ऐना इच्छा इसको स्कूल में जाने से पहले नहला कर जाती हैं, पर आज मैंने ही उनको बोला कि मैं नहला दूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर पूजा करी मंदिर में। परवीन घर पर ही था आज, तो कार्तिक को लेने के लिए मैंने परवीन को ही भेज दिया, क्योंकि वो भी चाहता है कि मैं बिग गाड़ी में बैठूं। बिग गाड़ी की बहुत जिद करता है। कार्तिक, कार्तिक, पापा उड़ रहा है, हवा चल रही है तेज। कार्तिक नहीं उड़ा। यस बेबी। हाय, ओ माय गॉड, ये क्या क्या लेके आया कार्तिक, दिखा ना। स्पोर्ट ऑन स्कूल से स्कूल वालों ने दिया। हाँ। क्या किया था तुमने? अच्छा सा क्या किया तूने आज? दीवार पे लगाओगे। हाँ। कैसा रहा आज स्कूल तुम्हारा? अच्छे। क्या किया स्कूल में? ईट करा। हाँ। क्या ईट करा? कीवी। कीवी खाया आज तूने? अच्छा, कीवी लेना है। ओके। हाँ। कीवी काटू तुम्हारे लिए पहले? रेंज बॉक्स ना ना। हैं? रेंज बॉक्स। रेंज बॉक्स? हाँ। लंच बॉक्स। ओ माय गॉड, लंच बॉक्स लेके जाया करेगा कार्तिक। ये क्या है? वाटर गन। वाटर गन। यस। मोर देन मोर। बाहर जब अच्छा मौसम होया करेगा ना, तब पानी डाल के इसमें बाहर जाया करना, ठीक है, गार्डन में, फिर वाटर गन से खेलना। ओके, ठीक है। कपड़े चेंज करें अब? यस कार्तिक। हाँ? कपड़े चेंज या? हाँ? कपड़े चेंज। इसमें पानी नहीं है? हाँ? नहीं है पानी इसमें। गाइस को दिखा दो अपनी वाटर गन। हाँ? ये वाटर गन है तुम्हारी। मैंने यहाँ कार्तिक को फ्रूट काट कर दिया है, अपना भी फ्रूट मैंने काट लिया, क्योंकि मैं कार्तिक की वेट कर रही थी कि कार्तिक जब आएगा तो भी मैं फ्रूट खाऊंगी या कुछ भी। तो यहाँ पर मैंने कार्तिक की प्लेट अलग और अपनी अलग काटी है, क्योंकि कार्तिक को नमक चाहिए और मुझे नहीं चाहिए था। दोनों का था। मैं पिछली गर्मियों में ही बच्चों के लिए ये लेकर आई थी और ये बहुत अच्छा चल रहा था इनका, पर अभी पता नहीं इसमें क्या खराबी आ चुकी है, ये चार्जर नहीं हो रहा। और मेरे हस्बैंड ने इसको प्रॉपर खोल के सारा, और कार्तिक भी इनकी हेल्प कर रहा है, तो इन्होंने रिपेयर करने की कोशिश करी। और यहाँ पर इच्छा अपनी ड्रॉइंग कर रही है, और यहाँ पर ऐना की फ्रेंड आई हुई है घर पर। तो ऐना अपने स्कूल के बारे में बता रही है, उनके स्कूल में आज क्या क्या हुआ, क्या उन्होंने मस्ती करी, क्या उन्होंने खाना खाया, मतलब क्या क्या उन्होंने, मतलब जो भी उसके स्कूल में हुआ वो मुझे हर रोज़ आकर बताती है, मुझे अपडेट कर देती है कि भी मम्मी आज मेरे स्कूल में ये हुआ। Just like yourself.
आज मौसम इतना अच्छा है कि मैं पूरा दिन यहाँ पर खिड़की के पास में बैठी रही, क्योंकि धूप बहुत अच्छी आ रही है। धूप में बैठकर मैंने मूवी देखी। धूप अच्छी आ रही है ना? हाँ। बहुत अच्छी धूप है ना? हम कहीं जा रहे हैं। मैं गेस्ट ने क्या बोला? क्या? वो जो गेस्ट है ना, मेरा और एना का है, पर मेरा है। मैंने नहीं बोला ना, उसका है। यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने पूरी कोशिश करी कि ये ठीक हो जाए, पर ये नहीं हुआ। ये सारा खोल के अब दोबारा इसको बंद कर रहा है। यहाँ पर कोमल मेरे लिए कुछ लेकर आई और हमारे बीच में मस्ती भी चल रही है। एक ये फाउंडेशन और ये परफ्यूम। मैं यहाँ पर बना रही हूँ अपने लिए व्रत वाले पकोड़े, यानी के सिंघाड़े के पकोड़े, सिंघाड़ा आटा जो होता है उसके पकोड़े। यहाँ पर मैंने काट पीट लिया सब कुछ और अभी मैं बना रही हूँ। आप देख सकते हैं, ये मैंने साथ में खीरे काटे और पकोड़े बनाए। और यहाँ पर मैं बच्चों के लिए अलग से बना रही हूँ, क्योंकि उनको भी सिंघाड़े के आटे के बहुत पसंद है। यहाँ पर ऐना बना रही है अपना हेयर स्टाइल। अब क्या करेगी इनका? इधर इधर मुंह करके दिखा, फिर ऐसे थोड़ी ना पता लगा तुम्हारा टैलेंट। इसमें रबड़, ऐना ने डाल दी रबड़। अब क्या करेगी इसका ये हेयर स्टाइल? तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा हेयर स्टाइल। ये पहले पूरा देखो, पूरा देखना है। तो गाइस पूरा देखो, ऐना ने बोला है पूरा हेयर स्टाइल देखो, तब पता लगेगा क्या कर रही है ये। हो गया? ओके, एक मिनट। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, सच में मैजिक हेयर स्टाइल। तो देखो गाइस, ऐना ने हेयर स्टाइल ऐसे बनाया अपना। ये मैंने पहले घूम तो जा। ये देखो चीज कर डाला। वाओ, पहले तो मुझे लगा कि ये क्या हेयर स्टाइल बना रही है, लेकिन बाद में इसे जब ये पीछे किया तो मैं देखती हैरान हो गई, कितना अच्छा हेयर स्टाइल बनाया है। और वो बोल रही है कि उसको बहुत अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल आते हैं बनाने, कहाँ से सीखा मुझे नहीं पता। अगर आप लोगों को ऐना का हेयर स्टाइल अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो भी अच्छी लगी हो, क्योंकि मैं इस वीडियो पे पहन रही थी ये हेयर स्टाइल। हाँ, अगर ऐना का हेयर स्टाइल अच्छा लगा हो और मेरी वीडियो भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना प्लीज। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय, जय माता दी। यो यो हनी सिंह।